Hello friends, I am Sapna Devakar, graphic designing professional and working with AAFT School of Animation as an assistant professor. So friends, आज जो हमने टॉपिक लिया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने सिर्फ कोरल ड्रॉ किया है या उन स्टूडेंट्स के लिए भी जिन्होंने सिर्फ इलस्ट्रेटर किया है। कैसे? कुछ कॉमन टूल्स होते हैं, तो आज मैं आपको उन्हीं 10 कॉमन टूल्स के बारे में बताने जा रही हूँ जो इलस्ट्रेटर एंड कोरल ड्रॉ में कॉमन है, बट उनका नाम अलग है। तो आइए देखते हैं कौन से हैं वो टूल्स। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बहुत ही बेसिक कार्टून मैंने यहाँ पे लिया हुआ है कोरल ड्रॉ, एंड एक विंडो है इलस्ट्रेटर की जिसमें कि मैंने एक और कार्टून लिया हुआ है। हम इन दोनों पे ही उन कॉमन टूल्स को अप्लाई करेंगे। फर्स्ट टूल होता है कोरल ड्रॉ में पिक टूल, जो कि सेलेक्ट करता है, पोजीशन चेंज करता है और ट्रांसफॉर्म करता है ऑब्जेक्ट को, लाइक दिस। पोजीशन चेंज हो रहा है, आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, छोटा बड़ा। सेम कॉमन टूल इलस्ट्रेटर में होता है जिसे कि हम सिलेक्शन टूल कहते हैं। इससे भी आप वही कर सकते हैं जो आप कोरल ड्रॉ में कर सकते हैं। आप मूव करवा सकते हैं ऑब्जेक्ट को, एंड छोटा या बड़ा ऑब्जेक्ट साइज कर सकते हैं। सेकंड टूल होता है इसमें शेप टूल। शेप टूल क्या होता है? इससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को शेप दे सकते हैं, लाइक दिस। यहाँ पे एंकर पॉइंट्स आ जाते हैं कुछ, इनको आप शेप दे सकते हैं। आप इसका हेयर स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फेस कट अगर आपको चेंज करना है आप यहाँ पे फेस कट चेंज कर सकते हैं, लाइक दिस। और इसी टूल को इलस्ट्रेटर में कहते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी एंकर पॉइंट्स मिल जाते हैं हमें काफ़ी सारे, जिससे कि हम शेप को चेंज कर सकते हैं इजीली, लाइक दिस। ओके, नाउ थर्ड टूल होता है पेन टूल। पेन टूल आप यहाँ पे फ्री हैंड डिजाइन कर सकते हैं कोई भी शेप विद द हेल्प ऑफ पेन टूल, लाइक दिस। ओके, एंड सेम पेन टूल वर्क करता है इलस्ट्रेटर में डिजाइंस ड्रॉ करने के लिए, लाइक दिस। सी, तो पेन टूल कोरल ड्रॉ में भी उसी तरह से वर्क करता है एंड इलस्ट्रेटर में भी उसी तरह से वर्क करता है। आप अगर चाहें तो पेन टूल से स्ट्रेट लाइन भी खींच सकते हैं, लाइक दिस। एंड इफ यू वांट कर्व लाइन तो आप कर्व लाइन भी क्लिक कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, लाइक सेम विद हियर स्ट्रेट लाइन। एंड इफ यू वांट टू ड्रॉ कर्व लाइन सो कर्व लाइन। तो आपने देखा यहाँ पे पेन टूल, नेम सेम है दोनों का एंड वर्किंग भी सेम है दोनों की। फोर्थ टूल होता है ट्रिल टूल। ट्रिल इन इलस्ट्रेटर, वेयर इज ट्रिल टूल, आपको कहाँ से मिलेगा? विद टूल में ही थर्ड ऑप्शन होता है ट्रिलिंग का। ट्रिलिंग टूल होता है जिससे कि आप अपने ऑब्जेक्ट को शेप दे सकते हैं, लाइक अगर इसके हेयर्स आपको ट्रिल करने हैं, लाइक दिस। अगर आपको इसका ब्रश साइज छोटा या बड़ा करना है तो क्लिक ऑल्ट एंड आप इसका साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं एंड गिव ट्रिल to his hair। And same ट्रेल टूल कोरल ड्रॉ में भी होता है, शेप टूल में ही आपको मिलेगा ट्रेल। इसमें भी आप ट्रेलिंग कर सकते हैं, लाइक सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट एंड ट्रेल, लाइक दिस। सी, लाइक दिस। ट्रेल टूल add swirl effect by dragging along the outline of an object। जैसे ही आप एज पे रखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, वो शेप को ट्रिल कर देता है। फिफ्थ टूल फिफ्थ इज स्मूथ टूल। स्मूथ टूल भी आपको इसमें ही मिलेगा। स्मूथ टूल में सपोज अगर आपने कोई स्ट्रेट लाइन ली है, आपको उसको थोड़ा स्मूथनेस देनी है, तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि एंकर पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू दैट या तो माइनस हो रहे हैं या और ऐड हो रहे हैं। इससे क्या होता है कि आपको स्मूथनेस देने में हेल्प मिलती है किसी भी शेप को। सेम विद हियर इन इलस्ट्रेटर। स्मूथ टूल यहाँ पे आपको मिलेगा शेपर टूल में, थर्ड स्मूथ टूल। स्मूथ टूल यहाँ पे भी पॉइंट्स को स्मूथ करने के लिए यूज होता है। ध्यान से देखिए, मैं एजेस पे क्लिक कर रही हूँ और एजेस इसकी स्मूथ हो रही हैं, कर्व पॉइंट्स ले रहा है ये। तो ये बेसिकली जहाँ पे स्ट्रेट लाइन होती है उनको स्मूथनेस लेने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये थे कोरल एंड इलस्ट्रेटर के 5 टूल्स। बाकी के 5 टूल्स मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगी, तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।